सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैं आज एक हफ्ते बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग ना तो वीडियो को ढंग से देख रहे हो ना सपोर्ट कर रहे हो, तो इसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो एक दो ने कल बोला भी कि आप वीडियो बनाना मत बंद करो, डेली बनाओ, चाहे छोटी छोटी बनाओ। मैंने सोचा आज चलो बना ही लेते हैं, वरना एक हफ्ता हो गया, मैंने एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाई। जो भी मतलब एक दो वीडियो डालती हूँ वो पहले की ही है, एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाई ना, मतलब मन ही नहीं किया बनाने का। ये मेरे रोज 10-15 घट ही जाते हैं। अब तो मैंने आपको सब्सक्राइबर भी आपको दिखा दिए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे पिछले हफ्ते मेरे ना 400 हो गए थे और 400 से घट घट के मेरे 330 फिर बढ़ रहे हैं, तो कल भी ऐसे हो गए थे 70-75 के आसपास हो गए थे, 375 घट के फिर वही 360 पे पहुँच गए हैं। लोग डेली घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए मन नहीं कर रहा कि वीडियो बनाऊँ मैं आगे। लेकिन एक दो दीदी हैं ऐसी जिन्होंने बोला कि आप डेली बनाओ थोड़ा थोड़ा सा, और नहीं देखेंगे हम तो देखेंगे आपकी वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। और आज है थर्सडे, तो काम वाम जल्दी हो गया हमारा क्योंकि थर्सडे को हम कपड़े वगैरह तो धोते नहीं, बस नहाना धोना होता है। और अब नहा धो के बच्चे भी नहा लिए हैं, अब बैठे हैं धूम में, थोड़ा सा धूम में बैठ के फिर खाना वाना खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए चाय भी नहीं पी, मन भी नहीं गया था 2 दिन से, तो आज चाय का मन कर रहा है। धूप अच्छी निकल रही है, मतलब कई दिन हो गए ऐसी धूप अच्छी सी निकल रही है, तो धूप में बैठ के, तो कल तो इतनी तेज थी कि गर्मी लगने लगी थी धूप में बैठने से। तो मैं बाहर वाले रूम में हूँ तो बाहर का ना थोड़ा शोर सा आ रहा होगा आपको, अंदर वाले रूम में नहीं आता लेकिन बाहर वाले रूम में बैठो तो शोर आता है, और धूप भी बाहर वाले रूम में ही आती है इसलिए बाहर वाले रूम में ही बैठी हूँ मैं। टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से 9:30 का हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। बनाते हैं अपनी चाय भाई, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ना रात साग बनाया था तो उसी में तड़का लगा रही हूँ, और अब मेरा भाई आया था तो उसके लिए तो मैंने सुबह वो बनाया था आलू बैंगन, क्योंकि साग नहीं दिया ले जाने के लिए अच्छा नहीं लगता, तो आलू बैंगन बनाए थे और अपने लिए वही साग, उसी में तड़का लगाऊंगी। और शाम को देखते हैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। गीले वाले आलू बैंगन बनाए थे क्योंकि मेरे घर पे गीले हुए मतलब सॉरी गीले मतलब पतले वाले जो होते हैं आलू बैंगन वही बनते हैं, वही खाते हैं। बन गई है मेरी चाय, चाय भी बन गई है, बस देखिए सॉस। सब्जी में मतलब हफ्ते में एक बार तो बनते ही बनता है, साग ज्यादा नहीं बनाते, हफ्ते में सिर्फ एक बार बनाते हैं तो ये है आज का हमारा खाना, रोटी सरसों का साग घी डाल के और ये चाय। तो आ जाइए आप भी। जो पहले मैंने गाजर और मूली का अचार मतलब डाला था वो तो खत्म हो गया, और उस बीच मैंने वीडियो बनाई नहीं थी जो मैं आपको दिखाती, तो मैंने ये कल फिर गाजर को काट के नमक लगा के रखा था सुबह, अभी इन्हें सुखाऊंगी और जब ये सूख जाएगी फिर शाम को इनका अचार डालूंगी। नमक लगा कर रख देती ना, देखिए पानी कैसे छोड़ देती है। और इन्हीं में मैं अपने ये
पांच मैंने हरी मिर्च लिए, इनको भी काट के नमक लगा के रख दूंगी, तो ये भी मैं इसमें डालूंगी। मैं इनको पूरे दिन के लिए धूप में रख दूंगी, ये सूख जाएगी, शाम को डालूंगी इसका जार, मतलब मम्मी से डलवाऊंगी, मुझे नहीं आता, मम्मी डालेंगी। चलो जी सुखा के आते हैं इन्हें धूप में। अब देखिए कट्टू खेल रहा है इन दोनों के साथ धूप में बैठ के, मस्ती कर रहा है वो, मस्ती कर रहा है। हाँ देख लो क्या कह रहा है, खेल रहा है, नाम तो बताता नहीं है, गंदा लड़का है, बहुत बहुत गंदा है ये, गंदा कट्टू है ये तो। नहीं दैविया बहुत गंदा है। आपके पास आना इसको, आओ मेरे पास आओ, हेलो बोलो कट्टू सबसे, कट्टू हेलो बोलो, बेटा हट जा, धूप पानी दो इसको थोड़ा, पकड़ो। ओए गट्टू काटते नहीं, गंदी बात, आराम से जाओ। मेरे पास आ जाता। हाँ चलो बैठो धूप में। और इन सबको चीकू को, स्वीटी, टीटू, स्वीट और ट्वीटी और हमारा जेरी सब धूप में बैठे हैं, हम भी धूप में बैठे हैं, ये खेल रहे हैं। मैं करती हूँ अपना काम, शाम की तैयारी, और अब मैं करूंगी कढ़ी, हम बनाएंगे कढ़ी। और ये दही जमाई थी मैंने, तो दही को मतलब दही का मट्ठा बना के और नमक डाल के रख दिया था ताकि ये खट्टी हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है कढ़ी तो। और अब मैं इसमें बेसन वगैरह मिक्स करके रख दूंगी, शाम तक वो खट्टी हो जाएगी। नमक मिर्च और हल्दी ये सब डाल के रख दूंगी, मतलब नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो हल्दी और मिर्च। इसे मैंने घोल दिया है, अब मैं इसको ना धूप में रख दूंगी जिससे शाम तक खट्टी हो जाए। और ये देखिए मैंने इसमें गाजर और अपनी हरी मिर्च कर लिया, मैं इसका चार डालूंगी, सुखा दिया है मैंने, आज इतनी तेज तो नहीं थी धूप लेकिन कल बहुत तेज थी, और मैं इसमें डालूंगी सौंफ पिसी हुई,
छोटी चम्मच है तो बड़ी चम्मच से एक ही चम्मच काफी रहेगी इसमें। और ये थोड़ी सी काली मिर्च, और ये सरसों है, मैंने इसको हल्का सा दरदरा कर लिया है पीस के। इसमें डालूंगी धनिया पिसा हुआ, हल्की सी हल्दी और मिर्च, नमक, और ये है अमचूर पाउडर, जम जाता है पता नहीं क्यों ये डब्बी। और इसमें मैं डालूंगी अचार का तेल, अगर आप ऐसे डालोगे तो पका के डालना, लेकिन मैं तो अचार का डाल रही हूँ, मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ है। अब मैं इसे डब्बे में करके रख दूंगी, अगर कल धूप निकली तो मैं एक दिन की से धूप और लगाऊंगी डब्बे में रख के। बस इसे मिक्स करके अब हम एक डब्बे में कर देंगे। और मेरे पास एक कैंडी का डब्बा था जो खाली हो गया था, मैं इसमें ही करूंगी अचार। अचार मेरा डल गया है, तो थोड़े से बर्तन है इनको मैं साफ कर लेती हूँ फटाफट। घर का खाना पीना सब कम हो गया, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। चट उड़ाओ, ये बस ये लड़का पूरे दिन ना खेलता रहता है, पढ़ना तो इसके बस की नहीं है। देखो उसे देख लो, पढ़ने के लिए दिया है तो कैसे लेट रही है, पढ़ती कम है खेलती ज्यादा है। हमारे गट्टे महाराज को देखो, और भाई गट्टे गट्टे महाराज अभी आ रहा हूँ। कटू देखो मैं सोता हूँ, मम्मा अभी सोने को बुलाऊंगी, बहुत जल्दी आएगा कटू, आ सोएंगे, आओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, निन्नी करेंगे, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर, इधर हूँ मैं, इधर आओ, निन्नी करते हैं, जल्दी आ बेटा। आओ ये देखो सुअक्कड़ नंबर वन, सोने के नाम से कितनी जल्दी भाग के आता है। बैठो बैठो, यहाँ से कंबल ओढ़ लो। ए, ये सो गया बेटू, सो गया, ये देखो छोटा सा। और ये ना आज मैंने लड्डू गोपाल की ना ड्रेस बनाई थी, इस तरह से ब्लू कलर में, बहुत प्यारी सी लग रही है। इसका टॉप अभी बनाऊंगी आज, आज तो नहीं बनेगा, कल बनेगा, क्योंकि 4:15 हो गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मैं शाम को वही कढ़ी वगैरह बनाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है,
टॉप और हो जाएगा ना इसके मैचिंग का, तो जब पहनाएंगे लड्डू गोपाल को तब मैं आपको दिखाऊंगी पहना के। और ये देखिए जेरी ना रोटी खा रही है, जेरी इधर। कितना जोर पड़ता है स्वीटी पे ना गट्टू। वो छिपा दिखा। ये रहा गट्टू तो, ये रहा गट्टू दिख गया गट्टू मुझे। मैं लगाऊंगी यहाँ कड़ी में तड़का। ऑयल मेरा गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी मेथी और ये सूख के लाल मिर्च थोड़ा सा। तो मेरी कढ़ी में उबाल आता है, मैं पकौड़ों के लिए थोड़ा सा बेसन भर देती हूँ। थोड़ा सा बस इसमें मैं नमक डालूंगी और कुछ नहीं। देखिए मैंने ना बेसन को अच्छे से 2-3 मिनट फेंट लिया है। अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, फिर इसके पकोड़े बनाऊंगी। अभी इसे ढक कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मेरी कढ़ी में ना उबाल आ गया है, 4 से 5 मिनट ही लगे हैं उबाल आने में। और अभी तो इसको 1 घंटा लगेगा पकने में। जब अच्छे से और उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको धीमी करके रख दूंगी, तो ये पकती रही है। और देखिए बेबे खेल रहा है नीचे दुकान के पास, अंदर गया देख के। अंधेरा हो रहा है गली में, सब ना अपनी दुकानों के आगे ही लाइटें जलाते हैं, बाकी सबके पास अंधेरा। और सामने देखो चूल्हे चल रहे हैं सबके। और ये देखिए मेरी कढ़ी में ना अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं अपना प्याज लहसुन वगैरह कट कर लेती हूँ। और इतना मेरी कड़ी पक रही है तो मैं पकौड़े बना लेती हूँ इधर। छोटे छोटे से बनाऊंगी पकौड़े तो मैं। दो बार में उतर जाएंगे, एक बार के डाल दिए, थोड़ा सा और बच रहा है, एक बार में उतार देंगे।
अब इस टाइम ना बाहर का शोर बहुत ज्यादा आता है क्योंकि बच्चे खेलते हैं सुबह को, तो सब पढ़ने जाते हैं तो इस टाइम सब खेलते हैं बच्चे, तो बहुत ज्यादा शोर में जा रखा है बच्चों ने बाहर। और इस टाइम में मेरे को नींद आने लग जाती है क्योंकि मैं उठ रही थी मेरे आज 6 बजे और दिन में मैं सोती नहीं, सिर्फ लेटी थी मैं 1-1.5 घंटा, तो अब ना मेरे को नींद आ गया बहुत। बस कड़ी बन गई है चावल बनाने आई रही है लेकिन सोंगी हो गई 11 बजे। सुबह को 6 बजे उठना क्योंकि लवी का एग्जाम है, क्योंकि उसको अब तो लर्न करने के लिए दे देती हूँ, मॉर्निंग में सुन लेती हूँ मैं स्कूल जाने से पहले, क्योंकि वो इस टाइम सुनाती नहीं है मेरे को, तो सुबह उससे मॉर्निंग में सुन लेती हूँ। कड़ी मेरी बन गई है, मैं इस पर तड़का लगा देती हूँ कड़ी में। प्याज को ना बस हल्का ही ग्राइंड करूंगी क्योंकि कहीं में प्याज जम गया, अच्छा लगता मतलब आगे आए थे छोटी छोटी सी। और ये देखिए कढ़ी चावल बनके मेरे तैयार हो गए हैं, आ जाओ खाने, मैं तो हर बार ही बुलाती लेकिन आता कोई नहीं है। और ये देखिए आज ना टीटू पहली बार बेड पे अपने आप आके बैठा है और हाथ लगवा रहा है, वरना ये कभी भी हाथ नहीं लगा।
कि वो मतलब हमें छोड़ के चला गया है। अभी तो उसे एक साल भी नहीं होता हमारे पास आए हुए। 16 दिसंबर को उसे एक साल होता, मतलब इतना अच्छा लगता था, वो डांस वगैरह सब करता था, मतलब गट्टू को जब हमने छोटा सा पाला, लेकिन उसको तो हम थोड़ा बड़ा था तब लेके आए थे, अच्छा लगता था, वो डांस वगैरह सब करता था। पता नहीं उसे अचानक वो आ गया, या हो सकता है वो पहले से बीमार हो, हमें पता ना चला हो। और बाकी आपको ये बताएंगे उसके बारे में कि उसको क्या दिक्कत थी क्या नहीं।